ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्पत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं अश्वित और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। मोदी 3.0 में चिराग पासवान पहली बार मंत्री बने हैं। चिराग पासवान ने अपने अब कार्यभार को संभाल लिया है। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली और नरेंद्र मोदी के साथ चिराग पासवान ने भी शपथ ली थी। दरअसल आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया था। उसके बाद अब सारे के सारे मंत्री जो हैं वो अपने कार्यभार को आज संभालते हुए नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह की तस्वीर हमने आपको सुबह सुबह दिखाई, वहीं अब हम आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां चिराग पासवान ने अपने कार्यभार को संभाल लिया है। क्या कुछ चिराग पासवान बोल रहे हैं उनकी बातों को भी हम सुनवाएंगे। उससे पहले हम आपको बताते चले कि मोदी 3.0 कैबिनेट में चिराग पासवान को भी इस बार जगह मिली है। पहली बार केंद्रीय मंत्री बने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए सांसद चिराग पासवान ने अपने मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की चार्ज ले ली है। अपने पूरे परिवार के साथ चिराग पासवान मंत्रालय पहुंचे, मंत्रालय की जिम्मेदारी ली। वहीं आपको बताते चले कि इससे पहले ये मंत्रालय चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के पास थे। अब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी चिराग पासवान की आ गई है। अब उनके बाद अब चिराग पासवान इस मंत्रालय को संभालेंगे। मंत्रालय को लेकर क्या कुछ चिराग पासवान बोल रहे हैं हम आपको उनकी बातों को सुनवा। क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्पत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्पत भारत में लगभग 2-3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका